हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 14, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और यहां पर दो ही क्वेश्चन मेंशन है, बोर्ड थोड़ा छोटा होने के कारण यहाँ पर दो ही मेंशन करा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और ये दोनों कंप्लीट करने के बाद थर्ड नंबर भी हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट नंबर में दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज बेस मेजर 24 सेंटीमीटर एंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट मेजर 14.5। ठीक है, तो ये 14.5 यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर हमें बेस और हाइट दे दिया गया है। आप ये जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बस यहां पर फॉर्मूला पे पुट करना है, 1/2 इंटू बेस हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 14.5 सेंटीमीटर, तो ये 12 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई देखिए, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप देखिए एक तरीका और मैं आपको बतलाता हूँ। 14 और ये 12 है, तो ये 4 2 8, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तिरछा। ठीक है, तो 2 और ये 4, तो 2 4 6, और यहां पर क्या हो गया, 8 था तो 8 कैरी तो कुछ नहीं था, तो 2 4 6। ठीक है, और फिर 1 1 जा 1। तो अगर हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, 14 × 10 114 एंड 14 2 जा 28, तो 168 हो जाएगा, और फिर 0.5 से करेंगे तो 6 ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, तो अगर इसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, ये फिर से मैं आपको बतला रहा हूँ, एक बार इरेज करके मैं बतला दे रहा हूँ। अगर कोई भी मल्टीप्लीकेशन हो, जैसे कि 37 और अगर यहाँ पे 93 हो मान लेते हैं, तो पहले वाले डिजिट को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, 2 को कैरी कर लेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, 2 को कैरी कर लेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 3 जा 9 और 7 9 जा 63, ये सबको ऐड कर दीजिए, 5 14 1 7, तो ये 74 हुआ। तो एक डिजिट को लिखिए और एक डिजिट को कैरी करके रखिए, और 9 3 जा 27 और 27 को 7 में ऐड करेंगे तो 34। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, या फिर सिंपल किसी भी तरीके से। बस लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा फास्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, इफ इट मींस द बेस ऑफ अ ट्रायंगल ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स अल्टीट्यूड। इट मींस यहाँ पर दिया गया है कि जो बेस है वो अल्टीट्यूड का 3 टाइम्स है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे आपको अगर बेस मान ले, द बेस ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स अल्टीट्यूड, तो लेट सेकेंड नंबर है, लेट अल्टीट्यूड ऑफ और ट्राइंगल, या फिर गिवन ट्राइंगल, या फिर ऑफ और ट्राइंगुलर फील्ड लिख देंगे, ट्राइंगुलर फील्ड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब एक सेंटीमीटर में भी मेंशन कर सकते हैं, मीटर में भी मेंशन कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर हेक्टेयर दिया गया है तो मीटर में हम मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम यूनिट भले ही मेंशन कर ले कि एक्स मीटर, लेकिन जब हम सोल्यूशन करेंगे तो वहां पे यूनिट मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, फिर डायरेक्टली जब आंसर आप मेंशन करेंगे तब आप लिखिए। ठीक है, क्योंकि जब भी लीनियर इक्वेशन, आप अभी तक लीनियर इक्वेशन 8 में पढ़े हैं, 7 में पढ़े हैं, कहीं भी आपको लीनियर इक्वेशन में यूनिट मेंशन किया हुआ नहीं दिखा होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर भी, तो अगर अल्टीट्यूड इतना है तो बेस जो है ट्रायंगुलर फील्ड का वो 3 टाइम्स है अल्टीट्यूड का, तो बेस कितना हो जाएगा, सिंपल तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए, जाहिर सी बात है ये 3x हो जाएगा। अब क्या दिया गया है ये चीज समझना, इफ द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड एट इतना पर हेक्टेयर इज 783, मतलब एक हेक्टेयर का कॉस्ट 58 रुपीज है, तो 783 रुपीज हमको पे किया गया है, हमारे द्वारा पे किया गया द कॉस्ट ऑफ सोइंग, मतलब सोइंग करने का जो कॉस्ट है वो 783 है, तो कितना हेक्टेयर फील्ड को सोइंग किया गया है ये चीज हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, तो 58 रुपीज पर हेक्टेयर, हमें तो यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है हेक्टेयर। ठीक है, तो 58 इज द कॉस्ट ऑफ सोइंग
सोइंग द फील्ड, या फिर लिखें कि ₹58 इज द कॉस्ट ऑफ सोइंग 1 हेक्टेयर फील्ड, हेक्टेयर और यहाँ पे फील्ड लिख देंगे, ठीक है ना। एक हेक्टेयर फील्ड को सोइंग करने के लिए ₹58 लगेगा। अच्छा तो ये हमारे पास डाटा है, तो ₹1 में हम कितना उसको सोइंग कर लें, तो 1/58 हेक्टेयर। और हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, हेक्टेयर एक मेजरिंग यूनिट है, मतलब कि एरिया को मेजर करने वाला यूनिट है ये, जिसमें 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हेक्टेयर में अगर एरिया मेंशन करेगा तो वहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या दिया गया है, इसके इक्वल कितना मीटर स्क्वायर होगा, ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। तो ₹1 में इतना हेक्टेयर को सोइंग किया गया, ठीक है। तो हमारे पास रुपीज कितना था, मतलब ये हम यहाँ पर एकदम सिंपल सा यूनिटरी मेथड अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो ₹783 इज इक्वल टू 1/58 इंटू 783, ये हेक्टेयर में आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हेक्टेयर, और हेक्टेयर को हम यहीं पे चेंज कर दे रहे हैं, एक ही बार में कट करेंगे, या फिर यहाँ पे देखिए, तो अगर हम यहाँ बात करें तो कितने टाइम्स में कट सकता है, वो 29 टू टाइम्स में इसको काटेगा, और ये हमारा 27 हो जाएगा, ठीक है ना, 29 टू, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा, अब इसको ये हेक्टेयर में है, तो हेक्टेयर में हमें इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो 27/2 इंटू कितना कर देंगे, 10,000, ठीक है, 10,000 ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करें तो 5 और 000, और ये दोनों 27 × 5 होता है 135, ठीक है, 135 और 30 इधर है, तो 30 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर, ये तो हमारा एरिया हो गया, और यहाँ पर अल्टीट्यूड हम माने थे x और बेस हमारा था 3x। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और फर्दर आगे की ओर बढ़कर x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो एक हेक्टेयर का वैल्यू, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू जो हमारा वैल्यू होता है कितना, 10,000 मीटर स्क्वायर, ये हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर ये आपके माइंड में ना हो तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चंस बहुत इजी था, और ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर टोटल एरिया दिया गया है और एक मीटर या फिर एक हेक्टेयर का कॉस्ट दिया गया है, तो हम कैसे उसका टोटल एरिया फाइंड आउट करें, ठीक है, जैसे कि डिवाइड करके यहाँ पे सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर हमारा 135,000 आया, तो बेस हमारा था, अल्टीट्यूड था एक्स, ठीक है, और तो एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हमारा था 3x और अल्टीट्यूड था x, तो इसका भी स्क्वायर यूनिट होगा, मीटर मीटर माने हैं तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पर क्या वैल्यू है हमारा, यहां पर हमारा वैल्यू है 135, ठीक है, 135,000 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x, x into x, x square हो जाएगा। और देखिए जब भी इक्वेशन हम मेंशन कर रहे हैं तो इक्वेशन में हम लोगों को यूनिट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो x square is equal to मिलेगा हम लोगों को 135,000 into 2 divided by 3, इसको अगर हम यहां से डिवाइड करें, 135 तो कटेगा, तो 135 को ये 4 हो जाएगा और ये 5, 4, 5, 000, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 9,000,000। अब यहाँ से x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 9, यहाँ पे 2,000,000 दो बार है, ठीक है, तो ये दोनों बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना होगा, 300,000। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, 300, और 300 x हमारा क्या था, x था हमारा अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या हम माने थे, अल्टीट्यूड इज इक्वल टू x मीटर था, मीन्स हमारा आंसर क्या है, 300 मीटर। और अगर हम बात करें बेस के बारे में तो बेस हमारा था 3x, इट मींस 3 इंटू, ये भी मीटर में था, 3 × 300 मीटर इज इक्वल टू 900 मीटर। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इट मींस क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहां पर हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन में हीरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे,
ये हमारे हाथ में आर एस अग्रवाल का बुक है, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर देखे तो दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर, हुज साइड्स यहाँ पे दिया गया है थ्री नंबर में। पहला साइड क्या है 42 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड इज ऑल्सो गिवेन 34 सेंटीमीटर, एंड थर्ड वन इज 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है इन इन लेंथ, हेंस फाइंड द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड के कोरस्पॉन्डिंग हमें हाइट फाइंड आउट करना है, और हाइट फाइंड आउट करने के लिए देखिए फॉर्मूला तो हमारा होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हम लॉन्गेस्ट साइड के रेस्पेक्ट में बोला है, तो लॉन्गेस्ट साइड हमारा 42 है, तो बेस तो हम 42 मान लेंगे। और एच मतलब यहाँ पे देखिए एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या होगा बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हमारा बेस तो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर दो वेरिएबल टर्म्स आ जा रहे हैं और इक्वेशन हमारे पास वन, एक तो हाइट फाइंड आउट करना है और दूसरा हमारा एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हम एरिया को फाइंड पहले कर लें, एंड देन आफ्टर हाइट इज इक्वल टू क्या करें, हाइट इज इक्वल टू एरिया इंटू टू, ये टू इधर जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाई बेस कर दें। तो हमें एरिया चाहिए, इसके लिए बेस तो हमें पता है, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हीरोन्स फॉर्मूला के माध्यम से एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो 42 सेंटीमीटर प्लस 34 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर बाई टू, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो 50 प्लस 40 96 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब देखिए एस माइनस ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 48 सेंटीमीटर माइनस 42 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा एस माइनस बी है, एस माइनस बी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर माइनस 34 सेंटीमीटर, तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और थर्ड वन इज एस माइनस सी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो इस पर हम अप्लाई कर देते हैं क्योंकि एस का भी वैल्यू हमें पता है, एस माइनस ए का भी, एस माइनस बी और एस माइनस सी तीनों का वैल्यू हमें पता है। तो एस का वैल्यू यहां से क्या है, एस का वैल्यू 48 सेंटीमीटर इंटू एस माइनस ए का वैल्यू हमारा 6 है सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर और लास्ट में 28 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर आप दो काम कर सकते हैं, एक तो सबको मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल दीजिए, या दूसरा आप स्टेप ये कर सकते हैं कि इसको ब्रेक करिए। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो यहां पर अगर 14 लिखा हुआ है तो इसको 14 इंटू 2 कर देंगे, तो 14 14 पेयर निकलेगा और बाहर हम उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसको हम अगर करें 8 इंटू 6, देखिए 8 इंटू 6 लिख सकते हैं, 48 को 8 इंटू 6 लिख सकते हैं क्योंकि 8 6 जा 48, 6 को जस्ट कॉपी कर देते हैं, 14 को भी कॉपी कर देते हैं और 28 को 28 न लिख करके 14 इंटू 2 लिख देते हैं और यहां हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो 8 इंटू 2 16 और 16 का अगर रूट करेंगे तो 4, यहां पर 6 दो पेयर बन रहा है इट मीन 6 और यहां से 14 पेयर बन रहा है इट मीन 14, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको समझ आया होगा और आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो कैलकुलेट सिंपल तरीके से करने का प्रयास कीजिए कि कहीं भी हम लोगों को मल्टीप्लाई की आवश्यकता बहुत कम पड़े, लेकिन बहुत कम पड़े। तो 14 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 प्लस 24 84 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके बाद डायरेक्टली आप आंसर लिख दीजिए 6133। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये हमें फाइंड आउट क्या करना था, हाइट, और यहाँ से हम आपको समझा चुके थे कि हाइट किसके कॉरस्पॉन्डिंग में फाइंड आउट करना है, तो 42, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड कौन सा 42। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट इज इक्वल टू डायरेक्टली, क्योंकि हम सारा यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो करके रख चुके हैं, ठीक है। तो एरिया को हम बस पुट करेंगे 336 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना 42। तो अगर 42 से इसको डिवाइड करें तो कितने बार में कटेगा देख लेते हैं, तो आई थिंक 8 टाइम्स में ये कट जाएगा, ठीक है। 42 इंटू 8 अगर करें 6 और ये 33, तो 8 और ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको ये लगे कि थोड़ा बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो प्लीज़ आप ये भी कमेंट के माध्यम से बताएं, उस पर ज़रूर काम किया जाएगा और उसको इम्प्रूव करने की प्रयास की जाएगी। सो ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। तो गुड बाय, जय हिंद।